हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। नॉर्मली जब हम बूंदी बनाते हैं, बूंदी हमेशा हमें बाजार से मंगानी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको रायते के लिए बूंदी बनाने का बहुत इजी भी बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से घर में ही बूंदी बना सकते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रायते के लिए बूंदी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 100 ग्राम बेसन और आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम हम यूज करेंगे बेकिंग पाउडर, चौथाई छोटी चम्मच मैंने लिया है नमक और एक पिंच से भी कम यूज करेंगे हम खाने वाला पीला रंग। हम बूंदी को कैसे भी कलर में बना सकते हैं, लाल बना सकते हैं, पीली बना सकते हैं, हरी बना सकते हैं, लेकिन हम रायते के लिए बूंदी बना रहे हैं इसलिए हम उसमें पीला रंग घेरेंगे। और अगर आप कलर नहीं घेरना चाहते तो आप ना घेरें और जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे रिफाइंड ऑयल। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को एक बड़े बर्तन में कर लेंगे और ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक पिंच से थोड़ा सा ही ज्यादा है। और ये नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें क्योंकि अगर बेसन में गुठलियां पड़ गई तो उन्हें घोलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हमें इसका बेसन पकौड़ियों से पतला रखना होता है और बस अब हम इसमें ये रंग घेर देंगे। और रंग घेरने के लिए हम चम्मच का पीछे का हिस्सा यूज करेंगे जिससे रंग ज्यादा ना हो सके और बस इतने से ही रंग में इसमें एकदम लाइट येलो कलर आ जाएगा। और अभी बेसन काफी गाढ़ा है, पानी और डालेंगे। देखिए बेसन हमारा घुलकर तैयार हो गया है। और बूंदी के लिए बेसन की पहचान यह है कि आप इसे इस तरीके से गिराएं तो बिल्कुल एक धार की फॉर्म में गिरे और ये बिल्कुल इसी तरीके का है। इस समय अब हम इसे 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे जिससे बेसन फूलकर अच्छी तरह सेट हो जाए। और करीब 5 मिनट बाद बेसन हमारा फूलकर तैयार हो गया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से फेंटेंगे और लेकिन फेंटने से पहले हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और रिफाइंड मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और रिफाइंड भी गर्म है। और रिफाइंड डालने के बाद में इसे फिर से फेंटेंगे और बस रिफाइंड भी हमारा गर्म हो गया है। इसके लिए हमें मीडियम गर्म रिफाइंड की जरूरत होगी और बस रिफाइंड भी हमारा गर्म हो गया है और इसके लिए हमें मीडियम गर्म रिफाइंड की जरूरत होगी। और बस इस तरीके से हम कोई भी जाली लेकर जो भी आपके पास हो इस तरीके से रख देंगे और उसमें हम ये बेसन का जो हमने घोल बनाया था ये डालते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि नीचे कितने आराम से बूंदियां टूट के आ रही हैं और हम उतनी बूंदियां डाल देंगे जितनी कढ़ाई में एक बार में आसानी से आ सके। और इन्हें कुछ देर के लिए हम ऐसे ही सिकने देंगे, इन बूंदियों को एकदम कराना होने तक सेक लेंगे। और बस 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद थोड़ी देर लो फ्लेम पर इसे सेकेंगे और 2.5 से 3 मिनट में हमारी एकदम अच्छी कुरकुरी बूंदियां बनकर तैयार हो जाएंगी। और बस अब इन्हें उतार लेंगे। और आप इस तरीके से बूंदियों को एक चलनी में रखिए। ये मेरी जो आप बस इस तरीके से इन बूंदियों को गरम तेल में से निकाल लीजिए और देखिए एकदम परफेक्ट गोल गोल हमारी बूंदियां बनकर तैयार हो गई हैं। और आप देखिए कुछ बूंदियां इस तरीके से चिपक जाती हैं, लेकिन आप इन्हें अलग करेंगे तो ये सब एकदम अलग हो जाएंगे। ये बूंदियां आप रायते में यूज कर सकते हैं, सब्जी में यूज कर सकते हैं और ये हल्की नमकीन है इसलिए ऐसे ही खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। रायते के लिए ये एकदम बढ़िया बूंदी बनकर तैयार है। आप इसे रायते में यूज कर सकते हैं, बूंदी की सब्जी बना सकते हैं, बूंदी की कढ़ी बना सकते हैं और आप जैसे चाहें इसको वैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you.